लॉलीपॉप का इंग्लिश वर्जन भी निकाल दो। आप गाओ, मैं पीछे से गाता हूँ। One hour you put lipstick. लॉलीपॉप का इंग्लिश वर्जन भी निकाल दो। आप गाओ, मैं पीछे से गाता हूँ। One hour you put lipstick. Shaking wa are a district. Region top looking wa. Oh belly doing lollipop, lollipop. भाई आपने तो देख ही लिया कि द कपिल शर्मा शो में पवन सिंह का किस तरह से आगाज हुआ, किस तरह से स्वागत हुआ, और अकेले सिर्फ पवन सिंह को पहले बुलाया गया और फिर उसके बाद रिक्शे पे सवार होके दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी, निधि जैसे कई स्टार्स ने इस शो में शिरकत की। आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने खुद लॉलीपॉप गाने का इंग्लिश वर्जन बनाने को जब पवन सिंह को कहा तो पवन सिंह ने कहा पहले आप कीजिए, आपके पीछे पीछे मैं गाता हूँ। जैसे ही कपिल शर्मा ने लॉलीपॉप का इंग्लिश वर्जन गाया, भाई अपने पवन भैया हैं कि उन्हें हंसी आ गई, फिर उन्होंने भी उनके पीछे पीछे गाया। वैसे आपको ये शो इस वक्त देखने को मिलेगा। आपको ये बता दें ये भोजपुरी तड़का है, यहाँ पर इन सब का साथ देने और कौन कौन आया, भाई नेहा कक्कड़, जी हाँ बॉलीवुड की एक सबसे बड़ी सिंगर मानी जा रही हैं। वैसे नेहा कक्कड़ ने कुछ रोज पहले लॉलीपॉप गाकर तहलका मचाया था। अब यहाँ आपको बता दें नेहा कक्कड़ के साथ सोनू कक्कड़ उनकी बहन और टोनी कक्कड़ उनके भाई ये भी आएंगे और भोजपुरिया तड़का में सम्मिलित हो जाएंगे। आपको बता दें कि पवन सिंह एक ऐसे अभिनेता थे जिसकी सोलो एंट्री की गई, फिर उसके बाद भाई पवन सिंह से कुछ बातें की गई और कुछ उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई कपिल शर्मा द्वारा, और इस शो में जो तड़का भोजपुरिया का लगा है आप यकीन मानिए काफ़ी दिनों तक याद रखेंगे ये। आपको ये बता दें कि टोनी कक्कड़ ने पवन सिंह की तारीफ करते हुए ये कहा कि ये गाना तो भाई बहुत ही फेमस है और इतना ज़्यादा कि जब हम विदेश टूर पर जाते हैं तब भी कहीं भी बजता है तो लोग डांस करते हैं। सेम यही सारी बातें नेहा कक्कड़ ने भी पवन सिंह के लिए की। ये सब कुछ द कपिल शर्मा शो में देखने के लिए अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा भाई वीकेंड का, जब ये शो आपके समक्ष आएगा। भाई किस बात की देरी है, जैसे इतने दिन सही वैसे कुछ रोज़ और सही, लेकिन यहाँ आपको हम एक बात और बता दें, पवन सिंह का लुक बड़ा ही कातिलाना था भाई। सूट बूट में पवन सिंह बड़े ही जच रहे थे, या यूँ कह ले कि एक नंबर था उनका ये पूरा लुक। वैसे सोशल मीडिया पर जब उनका ये लुक वायरल हुआ, यानी भाई जब भी पवन सिंह कोई नया लुक लेते हैं वो वायरल तो होता ही है, जब ये नया लुक उनका वायरल हुआ तो भाई सभी ने कहा कि भाई क्या लग रहे हो। और हाँ आपको तो एक बात और बता दें, पवन सिंह के साथ यहाँ उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी गई थी, लेकिन एज अ ऑडियंस, जी हाँ वो ऑडियंस में बैठी थी और इस पूरे शो का मजा ले रही है। पवन सिंह के साथ साथ उनके कई टीम मेंबर भी इस शो में गए थे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।